आज मैं आपको ये फूल बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने दो रंग की ऊन ली है, एक ये पीले रंग की ऊन ली है, एक सफ़ेद रंग की ऊन ली है। चलो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ये पीले रंग की ऊन लेंगे, इसको इस तरह से बनाएंगे, यहाँ से इस तरह से, और तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेंगे। उसके बाद हमें डबल क्रोशे बनाने, 12 2 3, जो हमने तीन चैन ली थी इसको एक डबल क्रोशे गिनेंगे, 1 2 3, तीन हो गए। चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, 12, 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए। 12 होने के बाद इसको हम ऐसे खींचेंगे, खींच करके टाइट, इसको जो हमने तीन चैन ली थी, 1 2 3, इस चैन में जोड़ देंगे इस तरह से, ये इसको निकालेंगे ऐसे टाइट खींच के, इसको यहाँ से काट देंगे। ये देखिए बन गया है। अब हमें ये वाला हिस्सा बनाना है। इसे बनाने के लिए हम सफ़ेद ऊन लेंगे, ये मेरे पास सफ़ेद ऊन है, ये पीले के मुकाबले बहुत पतले है इसलिए मैंने इसको तीन धागे लिया है। हम तीन ऊन एक साथ चलाएंगे, यहाँ एक गांठ लगाएंगे, ये देखिए गांठ लगने के बाद हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ से जहाँ से ये हमने इसको अटैच किया यहीं से इसको ऐसे रखेंगे, इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे निकाल देंगे, ये गांठ लग जाएगी, गांठ लगने के बाद इसको हम ऐसे खींचेंगे यहाँ से, ये पकड़ेंगे, और अब तीन चैन, चार चैन लेंगे, 1 2 3 4, चार चैन लेने के बाद अब हमें चार डबल क्रोशिए बुनने, इसी में से दो, इसी में से हमें चार डबल क्रोशिए बुनने, तीन, चार, 1 2 3 4, चार डबल क्रोशिए हो गए। अब हमें क्या करना है, इसको यहीं छोड़ के जो हमने यहाँ से चार चैन ली थी, 1 2 3 4, चौथी चैन में से हमें इस तरह से निकालना है, ये निकालने के बाद इसको ऐसे करेंगे इस तरह से। अब हमें दो चैन लेनी, 1 2, दो चैन लेने के बाद यहाँ से हमें निकालना है और फिर से चार डबल क्रोशे लेने हैं, 1 2 3 4, अभी चार डबल क्रोशे हो गए, 1 2 3 4, चार डबल क्रोशे हो गए। उसके बाद इस धागे को ऐसे छोड़ेंगे, फिर वापस से यहीं से इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे जोड़ देंगे, फिर दो चैन लेंगे और फिर इसी तरह से चार डबल क्रोशे बुनेंगे, 2 3 4, चार डबल क्रोश, फिर इसको धागे छोड़ेंगे और ऐसे करेंगे, एक दो तीन चार,
इसी तरह से बनाते हुए हम जाएंगे। बनाकर मैं अभी दिखाती हूँ। ये क्या है, ये जो धागे यहाँ पे निकले हुए हैं इसलिए इसमें सफाई देने के लिए हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से इसके बीच में ऐसे करके इस तरह से बुंदेंगे। ये धागा अंदर छुप जाएगा और बाहर से पूरी सफाई नज़र आएगी और हमें बाद में छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इसको साथ साथ बुनते हुए चले जाएंगे। ये हमें ये देखिए हो गया है। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए इसको नहीं बल्कि यहाँ से बीच में से यहाँ से इस तरह ये दो धागे निकालने होंगे ये, और इसको ऐसे पकड़ के इस तरह से टाइट करके इसको ऐसे खींच देंगे। धागा काट देंगे, ये देखिए बन गया ये। इस क्या करेंगे, इसको इस तरह पीछे की साइड लाके यहाँ पे ये धागा जो हमने छोड़ा था यहाँ पे इसको इसमें से ऐसे गांठ लगा देंगे। धागों को साफ कर देंगे। दे देंगे, बन के तैयार है। ये देखिए बन चुका है। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।